Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अमरीका का हुकूमत पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर इजहार तशवीश। रेक्स टिलरसन कहते हैं अमरीका पाकिस्तान में मुस्तहकम और पुरअमन हुकूमत चाहता है। पाकिस्तान के इश्यूज अमरीका के इश्यूज हैं। We have concerns about the future of Pakistan's government too. In terms of them, we want their government to be stable. We want it to be peaceful. And many of the same issues they're struggling with inside of Pakistan are our issues. पाक अमरीका वज़ीरे खारजा की मुलाकात का ऐलामिया जारी। तर्जुमान का कहना है नहीं मालूम वज़ीरे खारजा ने पाकिस्तानी हुकूमत के मुस्तकबिल पर खदशात क्यों जाहिर किए। साबिक अफगान सदर हामिद करजाई ने डोनाल्ड ट्रंप की नई पॉलिसी को खून रेजी करार दे दिया। कहते हैं ट्रंप की सियासत में खित्ते के खिलाफ साजिश है। अफगान क़यादत ने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन होना चाहिए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ आज दिन 11 बजे लंदन रवाना होंगे। बेगम कुलसूम नवाज की अयादत करेंगे। टिकट पर वापसी की तारीख 4 जनवरी दर्ज है। कराची में चाकू गर्दी बढ़ गई। मुलजिम गुलिस्तान जौहर से गुलिस्तान इकबाल पहुंच गया। मजीद 5 खवातीन को हमला करके जख्मी कर दिया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज आज न्यूज ने हासिल कर ली। मुलजिम को जल्द पकड़ लेंगे। वजीर इत्तला'आत सिंध नासिर हुसैन शाह का दावा। क्या मुलजिम ने सलवानी टोपी पहन रखी है जो पुलिस को नजर नहीं आता। जल्द गिरफ्तार करके रिपोर्ट पेश की जाए। वजीर आला सिंध की हिदायत। रेंजर्स ने पार्लियामेंट हाउस की सिक्योरिटी छोड़ दी। वजारत दाखिला ने नोटिस ले लिया। गुज़िश्ता 2 रोज से एहलकार ड्यूटी नहीं कर रहे। वजीर दाखिला ने डीजी रेंजर्स से वजाहत तलब कर ली। जराए का दावा।